हाय किसान भाइयों, मैं अजय त्यागी आज आपके पास आया हूँ उस वीडियो के थ्रू एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने। और वह विषय है कि अपनी जमीन या सॉइल को हम ऑर्गेनिक कैसे बना सकते हैं और कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कैसे लें। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन सभी व्यूअर्स से जो पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाएं जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकूं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये जान लेना बहुत ही जरूरी है कि किसी भी सॉयल का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके कंपोनेंट क्या होते हैं। तो कोई भी सॉयल आप ले लें, उसके चार अंग होते हैं या चार पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट में होता है ऑक्सीजन, दूसरा पार्ट होता है पानी या वाटर जो करीब 25-25% होते हैं, और करीब 40-45% होते हैं मिनरल्स जो प्लांट्स को चाहिए होते हैं ग्रोथ के लिए। अब बचता है 5% भाग जो कि सबसे महत्वपूर्ण है जैविक खेती में। इस 5% भाग को हम कहते हैं ऑर्गेनिक मैटर। ये एक जैविक किसान के लिए सबसे जरूरी पार्ट है सॉइल का। अब इस सॉइल ऑर्गेनिक मैटर में क्या आता है? इसमें आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव और कार्बन एंड बाकी चीजें आती हैं। ये दो चीजें इतनी महत्वपूर्ण हैं कि बिना इसके आप सस्टेनेबल फार्मिंग नहीं कर सकते हैं, आप लो इनपुट फार्मिंग बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो कार्बन क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कार्बन वो पार्ट है सॉइल का जिसके इर्द गिर्द सारी जिंदगी बसती है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म माइक्रो या मैक्रो हैं जो जमीन के अंदर हैं, जो अपना काम कर रहे हैं, बिना कार्बन के नहीं रह पाते। आप उनका खाना कह लीजिए या कस्टोडियन कह दीजिए जिसके इर्द गिर्द वो रहते हैं। अब कार्बन एक्चुअली बनता कैसे है? कार्बन बनता है दो तरीके से, या तो फसल के अवशेष जैसे पत्तियां हों, जड़ें हों, या पशुओं का अवशेष जैसे गोबर हो। ये जब सड़ने और गलने की डिफरेंट प्रोसेसेस में होती हैं तब इसको कार्बन बोला जाता है और फाइनली ये ह्यूमस बन जाता है। अब ये अगर कार्बन आपकी जमीन में है तो इसका मतलब है कि आपकी जमीन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं, चाहे वो नेमेटोड्स हो, चाहे प्रोटोजोआ हो, चाहे फंजाए हो, चाहे बैक्टीरिया हो, बहुत सारे हैं, मैंने आपको 4-5 के नाम दिए हैं। इनका सबका अपना अपना पार्ट है। अगर ये आपकी जमीन में है तो वो जैविक है, जिंदा है और अंदर अपना काम चल रहा है। अगर नहीं है तो आपको परेशान होने की जरूरत है एज अ जैविक किसान, और आपको काम करना पड़ेगा अपना कार्बन बढ़ाने के लिए। नाउ कार्बन कैसे बढ़ाएं? कार्बन बढ़ाने का बहुत आसान तरीका है, मैं आपको 4-5 तरीके बता सकता हूं कि कैसे हमने अपनी जमीन का कार्बन बढ़ाया। देखिए, जब आप पहली बार ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका जमीन का कार्बन कम होगा या ना के बराबर होगा, क्योंकि हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किए हैं, वीडीसाइड यूज किए हैं, पेस्टिसाइड्स यूज किए हैं, तो अंदर की जो जमीन की जो संरचना है वो खराब हो गई है। तो आप पहली बार अगर कर रहे हैं तो आप ये 5-6 चीजें कर सकते हैं अपना कार्बन वापस लाने के लिए। पहला है कि आप वर्मी कंपोस्टिंग या कैचुआ खाद यूज कर सकते हैं जो कि बहुत ही जल्दी से आपका जमीन का कार्बन बढ़ा देगा। दूसरा, आप क्रॉप रोटेशन या फसल चक्र का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप एक ही फसल लगा रहे हैं खेत में तो बंद करके फसल चक्र अपनाइए। तीसरा, आप गोबर की खाद जब वो सड़ जाती है, डिकम्पोज हो जाती है, उसको यूज कर सकते हैं। चौथा, आप मल्चिंग कर सकते हैं। मल्चिंग का मतलब है कि कोई भी जब फसल के अवशेष बनते हैं या जब आप एक फसल काट के दूसरी फसल लगाते हैं तो उस फसल के जो अवशेष बचते हैं उसको आप अपनी सॉइल में ही मल्च कर दें, उसको खेत से बाहर ना जाने दें, वो वही सड़ गल के कार्बन बना देगी। आप ग्रीन मैन्योरिंग भी कर सकते हैं जिसको हरी खाद बोलते हैं, जिसमें ढैंचा लगता है, सनई लगता है, ज्वार लगता है। इससे क्या होता है कि आपका जो बायोमास होता है वो जमीन में चला जाता है, तो ऑब्वियसली आपका कार्बन बढ़ जाता है। तो मैं इनके बारे में थोड़ा और विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि कार्बन हम इसलिए ला रहे हैं कि हमारे अंदर सूक्ष्म जीव आ जाएं जमीन में। अब हम जानना चाहते हैं कि सूक्ष्म जीव का क्या काम है, क्यों हमें वो सूक्ष्म जीव लाने हैं। देखिए, हमारे जमीन के अंदर
एक पैरेलल वर्ल्ड चल रहा है, जितने लोग ऊपर हैं उससे दो गुने या चार गुने नीचे हैं जो अपना अपना काम कर रहे हैं। ये हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं जिनका अपना एक अलग रोल है पूरी संरचना में, और अगर हम इनको अपने हाल पे छोड़ दें तो ये बहुत अच्छी तरीके से इसको चला सकते हैं, क्योंकि ये इतना जटिल है कि अगर इंसान समझना भी चाहे तो वो नहीं समझ पाएगा। और आप कितने भी बड़े साइंटिस्ट हो, आप खेती में ये नहीं बता सकते कि आपकी ज़मीन को जिंक चाहिए कितना चाहिए, आयरन कितना चाहिए, सल्फर कितना चाहिए, नाइट्रोजन कितना चाहिए। तो जब से हमने अपना दिमाग लगाना शुरू किया, आप देखिए पिछले 70 साल में, तब से ही हम अपना प्रोडक्शन भी कम करते जा रहे हैं, हमारे बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं, हमारी ज़मीन भी कमज़ोर होती जा रही है। और पहले जब मनुष्य नहीं था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, हर चीज़ उगती थी, कीड़े मकौड़े भी खाते थे, लेकिन फिर भी कोई कमी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं हमें रुकना है, समझना है कि क्या चल रहा है इस ज़मीन के अंदर, और बजाय उसको बदलने के उसका एक पार्ट और हिस्सा बन के हम इन सब काम को करने दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब होता क्या है कि ये जो मैंने बताया मिनरल्स हैं, 45% पार्ट जो है सॉयल का, वो मिनरल्स है लेकिन वो अवेलेबल नहीं है प्लांट के लिए, जिससे कि प्लांट उसको ले सके। अब आपको न्यूट्रिएंट्स पता है प्लांट को कितने चाहिए, मिनिमम 17 चाहिए होते हैं और मैक्सिमम 60 से 62 चाहिए होते हैं। इन 17 में मैक्रो होते हैं और माइक्रो भी होते हैं। मैक्रो 9 होते हैं और माइक्रो 7 होते हैं। मैक्रो में पहला तो CHO आ जाते हैं 3, जो कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, जो बाहर से ले लेता है सनलाइट से, हवा से, और 90 से 95% पार्ट जो प्लांट का होता है और जो बॉडी बनती है प्लांट की, वो इन्हीं 3 मटेरियल से बनता है। बाकी जो आपके 6 बचते हैं उनमें से NPK होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, एंड देन कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं। और फिर कुछ 7 करीब माइक्रो या ट्रेस एलिमेंट होते हैं, जैसे बोरोन हो गया, जिंक हो गया, आयन हो गया, मैंगनीज हो गया, ये सारे कम मात्रा में चाहिए होते हैं, लेकिन चाहिए सब होते हैं, कम से कम 17 और ज़्यादा से ज़्यादा 60 से 62। अब ये सारा उसको ज़मीन से लेना है, ज़मीन के पास है, लेकिन ये सारे मिनरल्स ज़मीन के पार्टिकल से जुड़े हुए हैं, वो फ्री नहीं है जिससे कि प्लांट उसको ले सके। तो ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये अपना अंदर काम करके, डीकम्पोज करके कार्बन को, क्ले के पार्टिकल्स को, इनको फ्री कराती है। और प्लांट जो है अपना जो रूट्स होता है उसमें देखा होगा अपने छोटे छोटे से बाल से बने होते हैं, जिनको एक्सुडोट्स भी बोलते हैं। एक्सुडेट्स के थ्रू वो उन मिनरल्स को पानी के साथ एब्जॉर्ब कर लेता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें उनकी हेल्प करते हैं। अब किसी प्लांट को क्या चाहिए, कितना चाहिए, वो खुद डिसाइड करता है और अपना इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू उसको अपटेक कर लेता है। ये इतना अच्छा बैलेंस और सिंक्रोनाइज्ड तरीका है कि अपने आप सारा लोग काम करते हैं, इसमें आपको दखलंदाजी करने की ज़रूरत नहीं है। तो समझने की बात यह है कि हमारे पास सारे न्यूट्रिएंट्स हैं ज़मीन में, लेकिन प्लांट को देने वाला जो कैरियर है वो है सूक्ष्म जीव। या तो आप उस सूक्ष्म जीव को मार दीजिए और ऊपर से अपना खाद डालते रहिए बिना ये जाने कि किसको कितना चाहिए कितना नहीं। जब आप केमिकल फर्टिलाइज़र डालते हैं, या तो आप कम डालेंगे या ज़्यादा डालेंगे। ज़्यादा डालेंगे तो वो नीचे पानी में घुल के अपने पानी को दूषित करेगा, या हवा में जाके उसको दूषित करेगा, आपकी इनपुट कॉस्ट बढ़ाएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कितना डालना है कितना नहीं डालना है। और आप ये देखिए कि कितनी अच्छी संरचना है जहाँ आपको कुछ नहीं डालना है, अपना सूक्ष्म जीव अपने आप काम कर रहे हैं और सब चीज़ सही चले जा रही है। करना क्या है, सिर्फ कार्बन बढ़ाना है। और कार्बन क्या होता है, या तो फसलों का अवशेष या पशुओं का अवशेष। इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने ज़मीन में डालिए, अपने ज़मीन की संरचना बदलते देखिए और अपना इनपुट कॉस्ट बिल्कुल घटते हुए देखिए। आप कुछ भी नहीं लगाएंगे, पिछले 9 महीने में हमने अपने कुछ खेतों में कुछ भी नहीं डाला है और 3-3 फसल ले चुके हैं हम। मैं अभी एक खेत में शरबती गेहूं उगाए हुए हैं, उससे पहले उसमें मूंगफली ली थी और उससे पहले उसमें दाल ली थी। अब होता क्या है कि जो भी अवशेष होता है हम सीधा मल्च कर देते हैं उसको और नई फसल ले लेते हैं। फसल में इतनी जान है कि वो अपना सूक्ष्म जीव के थ्रू सारे न्यूट्रिएंट्स देती रहती है। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं कि होता कैसे है। फॉर एग्जांपल, एक बैक्टीरिया है राइजोबियम, जो रिफाइनर भी बोलते हैं जिसको, वो क्या करता है, हवा की नाइट्रोजन
लेके और वो जड़ों में फिक्स कर देता है। अब देखिए कितना आसान तरीका है, आपको नाइट्रोजन उसे ऊपर से डालने की ज़रूरत ही नहीं कि अगर वो राइजोबियम बैक्टीरिया नीचे अपना काम कर रहा होता तो। और क्या होता है, ये जितने भी फंजाई होते हैं ये प्लांट के एक्जुडेट्स जो मैंने बताया था, बाल जो होती है जड़ों के, उसके आसपास रहते हैं ये लोग। और वो इसलिए रहते हैं कि प्लांट अपना कुछ पार्ट जो शुगर जो बनाता है फोटोसिंथेसिस से, वो उनको देता है खाने के लिए, जिसकी वजह से वो उसके इर्द गिर्द रहती हैं, वो उसको प्रोटेक्ट करती है उसकी जड़ों को और बीमारियों से, नेमेटोड्स जो गलत नेमेटोड्स वगैरह होते हैं और गलत बैक्टीरिया होते हैं उनसे बचाते हैं, बीमारी से बचाते हैं, मिनरल सारे उनको प्रदान करते हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स उनको देते हैं और उनको जड़ों को अंदर जाने में भी सहायता देते हैं, क्योंकि वो डिकम्पोजिशन से और मूवमेंट से वो रास्ता बना देते हैं, जिससे आपका एयर ज़्यादा जाती है अंदर, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो आप ये लगाइए कि बिना कुछ करे इस सूक्ष्म जीव की जनसंख्या बढ़ा के आप कितना आराम से ये खेती कर सकते हैं, आपकी इनपुट कॉस्ट बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, आउटपुट बढ़ जाती है। तो मैं सभी किसान भाइयों से ये अनुरोध करूंगा कि आपने देखा होगा कि YouTube में आजकल तरह तरह के वीडियो आ रहे हैं, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बनाने के लिए, कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बनाने के लिए, कोई कहता है कि गोबर में ये घोल लो, कोई कहता है कुछ, मैं नहीं कह रहा वो गलत है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि मेरा 4 साल का अनुभव ये कहता है कि अगर आपको जैविक खेती करनी है तो आपको प्रकृति के साथ काम करना पड़ेगा। प्रकृति को आपको नहीं बताना कि प्रकृति को क्या करना है, उसको अपना काम करते रहने दीजिए और आप सिर्फ एज अ किसान उस प्रकृति की संरचना को अच्छा बनाने में काम कीजिए, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। क्योंकि किसान अगर अपना टाइम ये सब बनाने में लगाएगा तो वो बेचने कब जाएगा, उसका सारे से ज़्यादा टाइम जाना चाहिए मार्केटिंग या सेल में, किस तरीके से आपकी जो उत्पादन है वो सही जगह पे जाए और अच्छा आपको मुनाफा मिले। तो किसान भाइयों, मैं आपको हल्का सा अंदाज़ा देना चाहता था इस वीडियो के थ्रू और ये बताना चाहता था कि जैविक खेती को बहुत ही आप सरल रखें, इसको कॉम्प्लेक्स ना बनाएं, तरह तरह के प्रयोग करने में आप समझें जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है वो क्या है। फंडामेंटल प्रॉब्लम ये है कि हमारे ज़मीन के अंदर का जो बायोलॉजी है, जो माइक्रोबायोलॉजी है या जीवन है, वो नष्ट हो चुका है। हमें उस जीवन को वापस लाना है और आप देखेंगे कि आप साल भर के भीतर ही आपके ज़मीन को ऐसा बना देंगे कि आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही प्राकृतिक संसाधनों से, चाहे वो सनलाइट हो, चाहे वो फसलों के अवशेष हो, इन सब से ही अपने आप को इतना मजबूत बना लेगी कि आपको ऊपर से कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर कोई किसान भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहता है या उसको कोई सवाल है तो आप प्लीज़ मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा फार्म विजिट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि पिछले 9-10 महीने में कैसे हमने बिना कुछ इनपुट डाले, चाहे वो जैविक खाद हो, जैविक कीटनाशक हो, हम कैसे उत्पादन ले रहे हैं, कैसे सब कुछ एक प्राकृतिक तरीके से चल रहा है। तो आपका स्वागत है, आप मेरे फार्म पर आ सकते हैं। अगर मैं किसी के काम आऊँ तो मैं आपको अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा और मैं सबसे ये गुजारिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खेती करें, अच्छा खाना उगाएं, अच्छा खाना लोगों को खिलाएं और इस देश को जहर मुक्त बनाएं। जय हिंद दोस्तों।